हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शिखा विजयवर्गी फ्रॉम मुंबई। सबसे पहले मैं झटपट रेसिपीज़ की एडमिन, उनकी मॉडरेटर्स एंड नाजिया मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया विद असाही कसाई प्रोडक्ट्स। असाही कसाई के प्रोडक्ट के साथ हम किसी भी तरह की कुकिंग और बेकिंग कर सकते हैं, वो भी बिना ऑयल के। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिनी स्टफ बन विथ सोया एंड पनीर, जिसे हम बनाएंगे असाही कसाई के प्रोडक्ट के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। असाही कसाई के प्रोडक्ट के साथ हम कुकिंग और बेकिंग दोनों ही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रैकर्स बनाते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने आधा कप आटा लिया है और आधा कप ही मैदा ली है। इसमें 1/4 टीस्पून नमक मिलाएंगे, 1/4 टीस्पून ही मिक्स हर्ब्स मिलाएंगे और पाउडर शुगर मिलाएंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब हल्का गुनगुना वाटर लेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसकी एक चपाती से भी पतली रोटी जैसा बेलेंगे। इसे कट करेंगे, इसे हम ट्राइंगल और रेक्टेंगल शेप में कट करेंगे। अब इसे हम असाही कसाई की कुकिंग शीट पर बेक करेंगे। असाही कसाई की कुकिंग शीट पर बेक करने के लिए हमें किसी भी तरह के बटर या ग्रीस की ज़रूरत नहीं है। ये सिलिकॉन कोटेड है और ये बहुत ही इजीली रोल से बाहर निकल जाती है। इसे काटना और भी आसान और हैसल फ्री है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब आप इस शीट को 2 से 3 बार तक बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अब इसे हम बेकिंग ट्रे में अरेंज करेंगे और हमारे क्रैकर्स इस पर रखेंगे। क्रैकर्स के सेंटर में हल्का हल्का पानी लगाएंगे और ऊपर से तिल से कोट करेंगे। अब इसे हम प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये बेक होते हैं जब तक हम हमारी स्टफिंग तैयार करते हैं। आज की हमारी रेसिपी जीरो ऑयल कुकिंग है। तो यहाँ मैंने असाही कसाई की फ्राइंग पैन फॉइल ली है, इसे ही हम कुकिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसे भी ओपन करना बहुत ही इजी है, ये रोल से बहुत ही इजीली बाहर आ जाती है और इसे भी कट करना एकदम आसान है। असाही कसाई के प्रोडक्ट सिलिकॉन कोटेड है और इसे यूज़ करने का तरीका, इस पर जो आर लिखा हुआ है हमें कुकिंग के लिए उसी साइड से यूज़ करना है। तो इसे यहाँ हम एक फ्राई पैन में अरेंज कर लेते हैं और हमारी विदाउट ऑयल कुकिंग शुरू करते हैं। तब तक हमारे क्रैकर्स भी बेक हो गए हैं। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो हमारे, और ये मैंने असाही कसाई की कुकिंग शीट पर बनाया है। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून गार्लिक लिया है। पैन को पहले ही प्री हीट कर लिया था। इसे 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे। अब इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, गाजर डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे और थोड़े से कॉर्न डालेंगे। यहाँ मैंने थोड़े से मटर को क्रश करके लिया है। नमक डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे। यहाँ सोया चंक्स को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक यहाँ कम लग रहा है तो हम और डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अमचूर पाउडर डालेंगे और यहाँ 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे और इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। इसे कुक होते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है, ये बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें क्रम्बल्ड पनीर मिलाएंगे। पनीर मिलाकर बस हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी है, वो भी ऑयल फ्री और बहुत ही टेस्टी। अब हम इसमें हरा धनिया मिलाएंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। मैंने 1 चम्मच बटर, 1 चम्मच गार्लिक, थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा धनिया लिया है। इसे 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे और इसे साइड में रखेंगे। यहाँ मैंने मिनी साइज़ के बन लिए हैं, इसे बीच में से चाकू की मदद से हम कट करेंगे और इसमें स्टफिंग फिल करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें बटर मिक्स अप्लाई कर रही हूँ।
आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सिर्फ हल्का सा बन को शाइन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ कुछ बन में बटर मिल्क सप्लाई कर रही हूँ, कुछ बन में डायरेक्ट ही स्टफिंग को फिल कर रही हूँ, बाकी के सारे बन भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब इसे हम फ्राइंग पैन फॉइल पर ही सेकेंगे, जिस पर हमने स्टफिंग तैयार की थी उसी को क्लीन करके हम उसे रीयूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी स्टफ कर सकते हैं या ऊपर से आप चीज़ को ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब इसी फॉइल पर हम बन को सेकेंगे। इन्हें सेकने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि असाही कसाई के प्रोडक्ट कितने मैजिकल है, बिना ऑयल के भी हम कुकिंग कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। देख सकते हो कि हमारे बन एकदम रेडी हो गए हैं। आप नीचे से देखिए इनकी सिकाई कितनी अच्छी हुई है। तो ये एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए इनकी प्लेटिंग शुरू करते हैं। इन्हें हम चटनी और सॉस के साथ सर्व करेंगे। टॉपिंग के लिए हम चीज़ और क्रैकर्स का यूज़ करेंगे। सो थैंक्स अलॉट वंस अगेन झटपट टीम, नाजिया मैम एंड असाही कसाई प्रोडक्ट्स टू गिव सच ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शोकेस आवर कुकिंग स्किल्स। थैंक यू।